सीसीएल के कथारा क्षेत्र अंतर्गत स्वांगवासरी में एनसीओईए की नई कमेटी का गठन स्वांगवासरी के रेस्ट हाउस में किया गया। नई कमेटी गठन के दौरान एनसीओईए के केंद्रीय उपाध्यक्ष सिटू के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष रामचंद्र ठाकुर, एनसीओईए कथारा क्षेत्रीय सचिव सस सीसीएल वेलफेयर बोर्ड के सदस्य प्रदीप कुमार विश्वास, कथारा क्षेत्रीय अध्यक्ष श्याम बिहारी सिंह दिनकर, कथारा क्षेत्रीय संयुक्त सचिव कमलेश कुमार गुप्ता उपस्थित थे। मौके पर उपस्थित रामचंद्र ठाकुर ने कहा, कोयला उद्योग के अंदर सीटू के संघर्ष का एक लंबा इतिहास रहा। स्वांगवासरी में सीटू भी अपने संघर्षों का एक नया इतिहास लिखेगा। उन्होंने कहा, यह सीटू ही है जहाँ पर मजदूर अपने नेता को चुनते हैं और उस नेता के नेतृत्व में संघर्ष चलता है। हम स्वांगवासरी के उपस्थित मजदूरों को अग्रिम बधाई देते हैं इस आशा और विश्वास के साथ कि स्वांगवासरी के अंदर नई कमेटी के नेतृत्व में स्वांगवासरी से संबंधित कोयला मजदूरों को एक बड़ा आंदोलन होगा और स्वांगवासरी में सीटू को एक नई पहचान मिलेगी। प्रदीप कुमार विश्वास ने कहा कि आज 11वें वेतन समझौता के वक्त कोयला मजदूरों को फिर से एकजुट होने की जरूरत है। उस वक्त स्वांगवासरी में हमारे यूनियन की कमेटी का नहीं होना एक बहुत बड़ी कमी थी, जो आज हम सब लोग मिलकर उस कमी को पूरा करने जा रहे हैं। 11वां वेतन समझौता के लिए पूरे कोयला उद्योग में होने वाले आंदोलन को अब स्वांगवासरी में भी हम नई धार से साथ लड़ेंगे। श्याम बिहारी सिंह दिनकर ने कहा, कोयला मजदूर अपनी कड़ी मेहनत के आधार पर आज इस मुकाम पर पहुंचे हैं। यह संघर्ष उनका संघर्ष ही है कि आज ये अच्छा वेतन पा रहे हैं। हमें उम्मीद है कि स्वांगवासरी भी संघर्ष के बदौलत ही स्वांगवासरी के मजदूर अपने अधिकार को लेने में कामयाब होंगे। इस जनवरी को स्वांगवासरी में एनसीओईए सीआईटीयू की नई कमेटी की गठन हुई। इस नई कमेटी के गठन में सचिव राकेश कुमार, अध्यक्ष संतोष मोदी चुने गए हैं और साथ ही साथ 15 सदस्य की कमेटी का गठन किया गया है। यह कमेटी स्वांगवासरी के तमाम समस्याओं को लेकर आगे बैठक करेगी और एक मांग पत्र प्रबंधन को सौंपेगी और एनसीओईए सीआईटीयू जो राष्ट्रव्यापी आंदोलन आने वाला दिन में जो 2 दिवसीय हड़ताल 28-29 मार्च को कोयला उद्योग की रक्षा के लिए, देश के तमाम सार्वजनिक उद्योग की रक्षा के लिए जो आहूत किया गया है उसको भी सफल बनाएंगे और हम प्रबंधन के तानाशाही के खिलाफ, सरकार के गलत नीतियों के खिलाफ हम एकजुट होकर तमाम कोयला मजदूरों को एकत्रित करके आगे संयुक्त मोर्चा के एकजुट करके हम आंदोलन में जाएंगे और दो दो हाथ करेंगे और मजदूरों का हम रक्षा करेंगे। आज एनसीओ सीटू की 15 सदस्यीय कमेटी का गठन हुआ है। इस 15 सदस्यीय कमेटी में यहाँ के मजदूरों ने, हमारे सीआईटीयू ने मुझे सचिव के रूप में चुना है और इस सचिव के रूप में जो एक महत्वपूर्ण पद का जिम्मा मुझे दिया गया है, मैं स्वांगवासरी के मजदूरों को, सीआईटीयू को मैं यह विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि सीटू के नेतृत्व में स्वांगवासरी में मजदूरों के सवाल को लेकर, कोयला मजदूरों के सवाल को लेकर मैं संघर्ष को इस रूप में तेज करूँगा कि स्वांगवासरी में सीटू सबसे बड़ी यूनियन बनकर उभरेगी और जिस आशा और विश्वास के साथ स्वांगवासरी के मजदूरों ने सीटू की सदस्यता ली है, वो स्वांगवासरी के मजदूर सीटू के साथ और भी अधिक संख्या में जुड़ेंगे, उनका यह विश्वास और मजबूत होगा। यही कहते हुए मैं अपनी बात